जेनी, सौ मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे लगी है, लेकिन मैं फिर से ही जेल से भाग चुका हूँ। आपकी मुझे चबड़गंज पुलिस वाला नहीं पकड़ पाएगा। हट जा मेरे साथ में से। जेनी, मैं सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल हूँ और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो कि मुझे रोक सके। सारी सारी जेल्स को मैं तोड़ चुका हूँ और लॉस सैंटोस की जेल्स को भी मैंने तोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये क्या जानी, ये गाड़ी बड़ी खटारा हो गई है। हाँ, चलो देखते हैं पुलिस वाला बस मेरे पीछे लगा इससे पहले वो मुझे पकड़े। मुझे यहाँ से निकलना होगा। फटाफट हट जा। बाबा, यह मजा आ गया। लोगों को मारने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यह अभी तो बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। यह क्राइम करना तो मेरा शौक है और क्राइम मैं हमेशा करता ही रहूंगा और मुझे कोई लॉस सैंटोस की नल्ली पुलिस पकड़ नहीं सकती। अबे ये क्या गाड़ी ने यहाँ पे जवाब दे दिया। ये ले चल निकल। अबे काम कर रहे ये जानिए, अभी मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे ये तो क्रिमिनल है जो कि जेल से भागा है, पुलिस को बुलाओ। ये जानिए, पुलिस को बुलाओगे इससे पहले मैं यहाँ से छुमंदर हो जाऊंगा। चलो ऐसा करता हूँ कि किसी घर में छुप जाता हूँ। ये क्या, ये वाला घर का गेट खुला हुआ है तो इस वाले घर में चलो भागो। ये अरे यार, ये कौन जा रहा है घर में? अरे तुम कौन हो? मैं हूँ एक क्रिमिनल। मजा कर रहा हूँ। इस घर में मुझे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं छुप सकूँ। और घर में एक बच्चा है तो बच्चा डर के माले नीचे भी आएगा तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये क्या जानी, ये कैसा शीशा है जिसमें मेरा सर नजर नहीं आ रहा है? ये क्या है? ऐसा दुनिया का सबसे मैंने पहली बार शीशा देखा है। ये कैसा ग्लास है? अरे ये क्या, इस ग्लास में से अजीब से आवाज़ें क्यों आ रही? अरे रे रे, ये क्या हुआ? ये जोनी का बच्चा फिर से भाग गया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा ना भाई। जैसे मैंने इसको पकड़ा ना, फिर इसको दे डंडे बजाऊंगा इसको सेल में ले जाके, और ये फिर भूल जाएगा कि एक और बार जेल भागना कितना बुरा होता है। अबे ये जैसे मुझे मिलेगा ना, देखना ये क्या। अरे ये तो वही गाड़ी जिससे वो जॉनी भागा था, लेकिन इस गाड़ी के साथ ये क्या हो गया? लगता है इस गाड़ी का जवाब देगा, इसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जॉनी का तो पता नहीं कहाँ आ गया। अबे जॉनी बेटा, तू मेरे हाथ में चढ़ा ना, फिर देख मैं तेरे को कैसे मारता हूँ। ये जोनी गया तो गया कहाँ पे? अबे ये दरवाजा तो पार्सल हो के जोनी अंदर इसमें नहीं हो सकता है। ये वाले घर में जरूर जा सकता है, इसका दरवाजा खुला है। अबे बेटा नीचे आओ। अरे बेटा नीचे आओ, तुम्हें बुला रहा मैं। हर यार अंकल, सही टाइम पे आ चुके हो, मैं तो सोच रहा था कि आज तो मैं गया। अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या देख लिया? अरे यार मैं क्या बताऊँ अंकल, मैंने एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट में आदमी को देखा जो कि हमारे घर के अंदर घुस गया बिना बुलाए। अरे बेटा वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जॉनी। अरे यार उसका जॉनी है या पोनी ना, मुझे क्या करना है? अंकल जल्दी से उसको पकड़ो, नहीं तो वो हमारे घर में चोरी कर लेगा। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, अब यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और वो जॉनी को तो मैं देख लूंगा। और एक काम करो, तुम अंदर मत आना क्योंकि अंदर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। अरे यार मैं कौन सा अंदर आने वाला हूँ? ठीक है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बोलता है। चलो कोई नहीं, बच्चे तो होते बदमाश है। अब ये जोनी बेटा किधर है? बाहर निकल जा। जोनी बेटा बाहर निकल, नहीं तो मैं तेरा इनकाउंटर कर देगा। और मैं इनकाउंटर करने में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट हूँ। जोनी बेटा बाहर आओ। जोनी जोनी किधर हो? खुद को सरेंडर कर दो। अरे यार ये क्या, पूरे घर के अंदर तो जोनी का कोई पता नहीं चल रहा और ये दरवाजा भी बाहर से लॉक है तो इसके अंदर तो जोनी जा नहीं सकता। एक काम करता हूँ यार, इधर अपन ने देखता, इधर भी कोई नहीं छुपा है। अरे जॉनी है क्या? अरे जॉनी बाहर निकल, सरेंडर कर दे, नहीं तो बच जाएगा तू। ये वाले डोर भी बाहर से लॉक है तो अंदर कोई नहीं जा सकता, ये भी बाहर से लॉक है। अबे ये जॉनी गया कहाँ? अरे मुझे लगता है जॉनी पक्का ऊपर छुपा होगा। अभी मैं इसको ऐसा पकड़ेगा ना, ऐसा पकड़ेगा, लगता है इसका इनकाउंटर करना ही पड़ेगा। जॉनी बेटा बाहर निकलो, किधर हो? जॉनी बेटा सरेंडर कर दो अपने आप को।
अरे इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, पता नहीं किधर है अभी। अभी जोनी बेटा बाहर निकल, नहीं तो अभी तेरा मैं इनकाउंटर करेगा। ए बाहर आजा। अरे ये क्या पूरा घर छान मारा, लेकिन इसका तो कोई आता पता नहीं। इस बच्चे ने मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना डाला कहीं, झूठ में मेरे को ऐसी बेवकूफ़ बना दिया। अरे यार ये घर में पूरा मैंने चेक कर लिया, लेकिन जोनी का ही भी नहीं मिला। रे बाबा अभी क्या करने का। हाँ सर क्या। अरे तुम कहाँ पे हो, जोनी को दूसरी कार में देखा गया है, जल्दी आओ। कहाँ पे हो नलायक, कहीं के हमेशा कहीं और चले जाते हो। अरे सर यार यहाँ पे मुझे एक लीड मिली थी, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने। हाँ तो जल्दी आओ, लीड हो गई। अरे यार इस बच्चे के चक्कर में यार मेरे को ऑफिसर ने सुना दिया। अच्छा अभी बच्चे को तो मैं देखता हूँ, ये बच्चे को कोई काम नहीं है, मुझे बेवकूफ़ बना दिया इसने। अबे ये बच्चे मेरी बात से। अरे यार अंकल क्रिमिनल अंकल कहाँ गए, अरे मिले कि नहीं मिले। अबे ये मेरे सर पे बाल है, इसका मतलब कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये बच्चा है, मैं तेरे को छोड़ देता है, नहीं तो अभी मैं तेरा इनकाउंटर कर देता। तूने मेरा इतना टाइम खोटी गाय को करा बे, हाँ बता मुझे। अरे यार आप तो खुद ही गुंडे लग रहे हो, पुलिस वाले कम लग रहे हो। अबे यार मैं पुलिस वाला गुंडा है क्या, चल निकल यहाँ से। अरे यार ये क्या, ये तो बहुत ही बदतमीज पुलिस वाले। अबे ये केस कर देगा तेरे ऊपर, बच्चा की क्या है, आपत की पुड़िया है पूरा का पूरा। अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा ना। चलो फटाफट से ये। अरे यार ये पुलिस वाला तो एक नंबर का पागल था, इसके सर पे बाल नहीं थे, लगता है दिमाग भी इसका साथ नहीं था। इसके टकले के बाल भी उड़ गए, साथ में दिमाग भी उड़ गया, पता नहीं कहाँ से ऐसी भर्ती हो जाती है पुलिस वाले में। ये लॉस सैंटोस की पुलिस कैसी होती चली जा रही दिन ब दिन। काश मैं भी पुलिस वाला बन सकता, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। चलो देखता हूँ, अब मैं खुद एक सीआईडी बन जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उस क्रिमिनल को ढूंढ के निकालूंगा, वो पक्का यहीं कहीं छुपा होगा। अरे सीआईडी का तो काम पहले यहाँ से देखने का है, यहाँ से पहले छुपक के मैं देखूंगा। अरे कोई है क्या, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि इधर कोई नहीं होगा। चलो अभी मैं अंदर की साइड देखता हूँ। अरे यार मैंने इस क्रिमिनल को पकड़ लिया था, उसको पकड़ने के मुझे बहुत सारे इनाम मिलेंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। एक काम करता है, शीशे के पीछे से भी देखता हूँ। अरे इधर भी कोई नहीं है। अरे क्रिमिनल भैया किधर गए, सरेंडर कर दो, 50-50% में आपके नाम में जो भी रखा है मुँह पे उसको आपको भी दे दूंगा। अरे ये क्रिमिनल भैया, अरे जो भी हो बाहर निकलो, किधर हो। अरे ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारा है, बाहर निकलो जल्दी से। अरे ये क्या, ये शीशे को क्या हो गया, अरे मेरे चेहरे को इसने तो कुतुब मीनार बना दिया। अरे ये मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, ये क्या हो गया शीशे के साथ, लगता है इस क्रिमिनल ने कोई शीशे के साथ गड़बड़ कर दी है। ये शीशे में मेरा चेहरा कुतुब मीनार जैसा क्यों नजर आ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है शीशे के अंदर, जी जीप सी आवाजें की आने लग गए। अरे 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 ये क्या हो रहा है, अरे बचाओ। ए भैया। ओए मुन्ना आज तो मैं उधार लेकर रहूंगा। ए भैया तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते, जो कि तुम दूसरों को उधार दे सको। ओए मुन्ना तो चुप रहा है, आज तो मेरा दिमाग खराब है, आज तो यार उसने बहुत टाइम हो गया। ए भैया कितना टाइम हो गया। ओए मुन्ना उसने बोला था कि पिछले महीने देगा, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख निकालता रहता है, आज मैं उसका फुल एंड फाइनल कर दूंगा। ए भैया आराम से भैया, लड़ाई करने का कोई मसला नहीं है। ओए मैं उसे मसल दूंगा, समझ गया ना। अरे यार भैया हो सकता है उसने भी कोई प्लानिंग कर रखी हो। ओए मैं भी प्लानिंग करता हूँ, मैं फौजी हूँ, ओए अकेला 10 पे भारी हूँ, समझ गया ना। अरे भैया ठीक है आराम से बात करना। ओए ये क्या, अरे बाबा जी गोली चला दी, क्या हो गया भाई साहब। अबे तू तेरा नाम से है ना। ओए मेरा नाम, अरे बाप रे ये क्या, अरे मुझे मार क्यों रहे हो, अरे पैसे की जगह तुम लोग तो मेरे पिटाई दे रहे हो। अरे मारे इसका पैसा नहीं, इसको लात दो फटाफट, फटाफट इसका चढ़ना रही ने मार। ओए पैसे की जगह लात घुसे भरे हो। ओए मुन्ना बचा ले मुझे। ए मेरे भैया को मारो। अरे ए ए ये ले तेरे को भी देता हूँ मैं पटका, ये ले। हे दोस्तों इसीलिए भैया को बोल रहा था कि वो लोग भी कुछ प्लानिंग करके बैठे होंगे, लेकिन भैया तो रैम्बो बन के जा रहे थे, और अपनी हालत देखो भैया। ओए पूरी हड्डी पसली तोड़ दी मेरी, मुन्ना छोड़ियो मत इन्हें। हे भैया इसीलिए तो मैं अपने साथ शॉटगन लेकर आया था, मुझे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये बाहर निकल गाइस, यार यहाँ पे भैया की तो अच्छे से इन लोगों ने वाट लगा दी, अभी भैया को मारा है तो मैं इनको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये ले। ओके ये फटका। अबे भाई इसके पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट थी क्या, इतने तगड़े मैंने क्लोज शॉट दिया उसके बाद भी ये खड़ा हो गया। ए दोस्तों एक बोरा बंदा, उसको मारने के लिए काम करता हूँ, मैं इस साइड से जाता हूँ और यहाँ से शायद से मैं उसे मार पाऊंगा।
ए मार के दिखाएगा रे बाबा, मैं भाग जाएगा यहाँ से। ए रुक जा नुबड़े, अबे बाहर निकल बे, अभी देख मैं कैसा तेरे को मारेगा, तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं। अरे यार ये तो वही है बंदा जिसने भैया से उधार लिए, तो उसने यार अपने यहाँ पे चमचे बुला लिए थे। अबे पैसा जो देने का वो लेने का नहीं, समझ गया। अभी देख। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा फड़फड़ा रहा है गाइस, मुझे लगता है अबे अभी मेरे पंटर लोग आएंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे यार ये तो कवर लेके बैठ गया, अब इसको मैं मारूं कैसे वहाँ पे। अरे यार ओए मुन्ना, अरे भैया किधर, ओए मैं आ गया। अबे इसको तो मैं बता दो, मुझे मार के दिखा। अबे ये क्या, तू जिंदा हो गया क्या बे? अबे तेरे को तो मार दिया था हमने। ए भैया छोड़ना नहीं उसे, ओए ये ले टकले। ए भैया उसको मारते रहना, छोड़ना नहीं। अबे ये कौन आ गया, अबे अबे मैं तेरा पैसा दे दूंगा, मेरी बात तो मान। अबे छोड़ दे भाई मुझे। ए भैया छोड़ना नहीं, इसकी फट लगा दो अच्छे से। ओए अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने मेरे ऊपर अपने आर्मी लगा दी। अरे मतलब कि अपनी आर्मी ने पा। ए भैया वो आर्मी नहीं थे, वो गली के नुक्कड़ के गुंडे थे। ओए मतलब वही, इसने अपने गली के नुक्कड़ के गुंडे लगा दिए मेरे पीछे। अब देख मैं तेरे को कैसे हॉस्पिटल में भेजता हूँ, ये ले। ए भैया छोड़ना नहीं उसे, दे फटके पे फटकाओ। अरे जाने दे भाई, जाए जैक भाई, मैं तेरा प्याज भी पैसा दे दूंगा यार, जाने दे। अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ ना। ए भैया छोड़ दो। ओए ठीक है इसको छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखेगा उधार लेने का तो टाइम से देने का। भैया उसकी तो तुमने वट लगा दी, जितना पैसा उसने लिया अब तो हॉस्पिटल में लग जाएगा। ओए गलती ऐसे की है, पहले तो मैं फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन इसने अपने नकली आदमी मेरे ऊपर भेज दिए और मेरी पिटाई भी पड़ गई। अरे भैया तो ऐसे लोगों से पैसे लेन देन क्यों करते हो जो कि यार गुंडे है। ओए मुन्ना मुझे क्या पता है गुंडा निकलेगा। अरे यार भैया चलो गाइस कोई नहीं। वैसे भैया पैसे मिला क्या? ओए उसके जेब में तो 10 रुपए थे खाली, वही रख लिया मैंने। अरे यार 10 रुपए से क्या होगा भैया? ओए मुन्ना कोई नहीं, मैंने वैसे भी उसको 200 रुपए दिए थे। अरे भैया 200 रुपए दे के 10 रुपए रिटर्न में लिया? ओए उससे ज्यादा तो अब उसका दवाई में लगेगा। ए भैया सही कहा, वैसे उसके पास पैसे नहीं थे तो वो देगा कहाँ से? ओए बात तो ठीक है, लेकिन पिटवाना तो गलत होता है ना। अरे हाँ भैया उसकी सजा तो उससे मिल गई। ओके गाइस, यार भैया के पास 200 रुपए है, 200 रुपए में हम क्या क्या खा सकते हैं गाइस? यार यहाँ से कमेंट में जल्दी से बताओ। ओए ये क्या कर रहा है, ये खाने के लिए नहीं है, ये मेरी पॉकेट मनी है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे ये क्या भैया, मुझे लगा कि तुम मुझे बर्गर पार्टी जरूर करवाओगे। ओए कोई पार्टी नहीं होगी, तेरे पास पैसे तो बता फिर करते पार्टी। अरे यार भैया ये क्या, ओए हाँ ठीक है मैं तो नहीं कर रहा। अरे यार भैया यार तुम्हारे पास पैसे फिर भी नहीं? ओए नहीं ना तो नहीं, एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया मुन्ना। भैया ठीक है गाइस, यार भैया बहुत ही ज़्यादा लालची होते जा रहे तुम यार। ओए लालच बहुत ही बढ़िया है, लालच होना जरूरी है मुन्ना। अरे ये क्या भैया, ये कौन सा मॉरल ज्ञान हो गया? ओए मैं सही कह रहा हूँ। अरे भैया तुम रहने दो गाइस, यार भैया का दिमाग लगता है सेठिया गया है। ओए वैसे अरे बाप रे पहुँच गया मुन्ना घर पे। ए भैया सिंचन घर पे अकेला? ओए ये किसने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रखी है, पूरे के पूरे गाड़ी की वाट लगा दी है। भैया गाड़ी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय पड़ी है। ओए जो भी हो रुके एक मिनट, चले यहाँ पे निंजा बाइक खड़ी करते हैं। ए भैया चलो गाइस यार अब हम चलेंगे अंदर। ओए अब उठ भी जा बाइक से, उसी पे बैठा रहेगा क्या? अरे यार भैया उठ गया उठ गया। चलो गाइस अभी हम सिंचन से मिलते हैं। सिंचन आखिरकार आज पूरा दिन कर क्या रहा है? ओए देखना पड़ेगा, ये तो बाहर घूम भी नहीं रहा। अरे यार भैया सिंचन गाइस लगता है अंदर सो रहा है क्या रूम में? ओए जब ही तो इतनी शांति है, मुझे भी लग रहा है सो रहा है। अरे यार भैया मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, भैया मेरा तो नहाने का मन कर रहा है। ये डुबकी लगाई मैंने। ओए मैंने भी लगा दी मुन्ना। ए भैया अभी फाइनली गाइस हम लोगों ने नहाना कर लिया है, चलो अभी बाहर निकलेंगे। ए सिंचन किधर हो? अरे भैया ओए मुन्ना क्या हो गया भैया, ये सिंचन किधर गया? ए दोस्तों क्या आपको पता है सिंचन किधर गया, कमेंट में जल्दी से बताओ यार। भैया ओए सिंचन ऊपर होगा मुन्ना, टीवी देख रहा होगा। अरे यार भैया सिंचन ऊपर टीवी देख रहा होगा, गाइस यार यहाँ भी कोई टीवी तो नहीं चल रही, टीवी चलती तो टीवी की आवाज आती है ना। अरे सिंचन किधर हो? ए गाइस ये सिंचन कहीं हाइड एंड सीक तो नहीं खेल रहा? लेकिन उसको पता कैसे चला कि हम लोग आ गए? ओके गाइस यार ये सिंचन बहुत ज्यादा शरारती है। ओए मुन्ना मेरी बात सुन। ए भैया क्या हुआ? ओए उसने सुबह बोला था उसका मन बहुत ही कर रहा आइसक्रीम खाने का।
अरे यार कहीं सिंचन गाइस शॉप पे तो नहीं चल गया आइसक्रीम खाने? भैया तुम एक काम करो, घर में देखते रहो और मैं जा रहा हूँ जरा आइसक्रीम की शॉप पे पता करने की सिंचन आइसक्रीम खाने तो नहीं गया। ओके भैया। ओए ठीक है मुन्ना, मैं घर में देखता हूँ, अगर वो कहीं से आ गया तो तेरे को कॉल करके बताता हूँ मैं। ये ठीक है भैया, चलो गाइस मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम की रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिलती है। तो यार सिंचन वैसे बिना बताए कहाँ चले गया आप? ओके गाइस यार उसका फोन भी यार अभी लग नहीं रहा क्योंकि मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, इसलिए गाइस मेरी आउटगोइंग बंद कर रखी है। ओके चलो यार अभी फिलहाल अपन लोग चलेंगे। यार काफी दिन से हमने कोई रॉबरी नहीं करी जिससे हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पैसा हो गया गाइस, हमें रॉबरी करनी पड़ेगी, या तो काम करना पड़ेगा। काम करने में कम पैसा मिलता है, रॉबरी करने में ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होता है गाइस यार। अगर पुलिस ने पकड़ा तो पूरी जिंदगी जेल में बिताओ। ओके गाइस लेकिन मैं तो पकड़ा नहीं जाता। चलो गाइस मैं मजाक कर रहा था, रॉबरी से अलग अपन चलेंगे यहाँ पे सिंचन को ढूंढने के लिए। सिंचन किधर है? ए दोस्तों सिंचन यहाँ पे आइसक्रीम की शॉप यार पीछे वाली थी ना जहाँ पे बर्गर मिलता है। ए दोस्तों सिंचन का बर्गर पॉइंट भी यही है, ये सबसे ज्यादा फेवरेट उसको, इसी के बर्गर अच्छे लगते हैं। ओके गाइस यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है। आई थिंक मैं पूछ लेता हूँ काउंटर से जाके क्या यहाँ पे सिंचन आया था आइसक्रीम बाय करने। ओके हेलो भैया, क्या यहाँ पे मुझे एक इंक्वायरी करनी, क्या पे एक रेड कलर की टी शर्ट में पहना सिंचन नाम का बंदा आया था आइसक्रीम लेने? जी सर ऐसा तो कोई शख्स नहीं आया। अच्छा ठीक है गाइस यार ऐसा कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने। इसका मतलब कि सिंचन कहाँ गया होगा? एक काम करता हूँ लेस्टर को कॉल मिलाते हैं। लेस्टर मैं होगी बोल रहा हूँ। आप बोलो होगी, क्या हुआ, कैसे याद किया तुमने? अरे यार मुझे एक काम है, तुम फ्री हो? अरे मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहता हूँ। तो एक काम करो यार, मुझे सिंचन की लास्ट लोकेशन बता सकते हो ट्रैक करके फोन? जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो। ठीक है 5 मिनट का टाइम ले लो। गाइस यार यहाँ पे मैंने लेस्टर को कॉल करके बोल दिया कि वो मुझे बता देगी सिंचन की लास्ट लोकेशन, फोन की कौन सी जगह पे थी, क्यों से मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार सिंचन गया तो गया कहाँ पे। ए दोस्तों अभी एक और पॉइंट आइसक्रीम का जहाँ पे यार सिंचन हो सकता है, इधर से भी आइसक्रीम कभी काल खाने आ जाता है, कहीं यही तो नहीं आइसक्रीम खा रहा है गाइस यार ये वाले रेस्टोरेंट में? इस रेस्टोरेंट का नाम है ट्रेन, क्या नाम है, लॉस ट्रेन इन लॉस सैंटोस। ओके ओके बहुत बढ़िया नाम है, लॉस ट्रेन इन लॉस सैंटोस, ये तो नाम ही अलग है। ओके गाइस ये रेस्टोरेंट तो पूरा हो। ये गाइस मैनेजर यहाँ पे, मैनेजर क्या आपने यहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखा जिसका नाम सिंचन है और वो रेड टी शर्ट और येल्लो पैंट पहनता है? अरे नहीं ऐसा तो कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आया। अरे यार वैसे गाइस ये मैडम किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है, इन्हें तो पक्का बॉलीवुड का स्टार बन जाना चाहिए। ओके गाइस एक काम करता हूँ मैं पीछे इसे भी चेक कर लेता हूँ, कभी यार सिंचन हो सकता है यहाँ पे कहीं छुपा तो नहीं है। गाइस यार यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे लगता है लेस्टर को अब तक तो पता चल जाना चाहिए सिंचन है कहाँ पे, कॉल नहीं करा उसने। अरे ये क्या शैतान काम लिया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वैसे क्या हुआ लेस्टर? अरे हाँ वो सिंचन की लोकेशन तो तुम्हारे घर में से आ रही है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अरे यार ये क्या, अच्छा ठीक है सॉरी लेस्टर। हाँ ठीक है अंदर से मत बोलना। अरे यार ये क्या गड़बड़ है, ठीक है सॉरी। ओके गाइस यार यहाँ पे लेस्टर ने बोला कि सिंचन की लोकेशन गाइस लाइव ट्रैक करने के बाद पता चला कि सिंचन घर के अंदर ही है, लेकिन गाइस ये कैसे हो सकता है, घर में तो हमने पूरा चेक कर लिया। गाइस यार ये क्या गड़बड़ चल रही है, आखिरकार सिंचन कहीं छुपा तो नहीं पड़ा है? लेकिन गाइस मैंने जगह तो चेक कर ली थी पूरी, और भैया भी जब से चेक ही कर रहे हो गए। गाइस देखते क्या भैया ने सिंचन को पकड़ तो नहीं लिया घर के अंदर छुपे हुए, अब पता चलेगा घर चल के क्या चक्कर है। ओए बापरे मेरा दिमाग खराब हो गया, ढूंढते ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मैं बौखला गया पूरा का पूरा, ये भैंस के डर पूरा पसीना निकल रहा शीशे में देखता हूँ। अरे ये क्या मेरा सर कहाँ गायब हो गया, अरे पसीना भी दिख रहा। अरे बापरे ये क्या चक्कर है शीशे के साथ में, ये मेरा शीशा में सर क्यों नहीं दिख रहा है, ये क्या सा शीशा है, अरे क्या चक्कर है ये। दोस्तों यार वैसे भैया ने भी मुझे कॉल करके कुछ बोला नहीं कि सिंचन मिला कि नहीं मिला। ओके ये देखो गाइस मेरा छोटा सा स्टंट वैसे काम तो कर गया, बहुत ही बढ़िया स्टंट मैंने कर दिखाया। ओके हम लोग चलेंगे सीधा अपने घर पे, और ये गाड़ी अभी तक क्या लॉस एंजेलोस की पुलिस वालों ने यहाँ से हटाई नहीं ना, फायर डिपार्टमेंट वालों ने हटाई। ओके गाइस यार यहाँ पे इतनी शांति क्यों लग रही है घर में अभी भी, ये भैया किधर गए?
भैया सिंचा लगता है दोनों के दोनों सो रहे हैं क्या? भैया 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 किधर हो गाइस? ऊपर तो कोई नहीं, यहाँ से देख लिया मैंने शीशे की तरफ से, यहाँ पे कोई नहीं, ऊपर नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों नीचे, मुझे लगता है कुछ चल रहा है। ओके गाइस देखते कहाँ पे दोनों गए। अरे यार ये क्या, भैया भी मिसिंग हो गए? अभी तो सिंचा मिसिंग था, भैया भी गायब हो गए। अरे यार ये क्या चक्कर चल रहा, आखिरकार अब भैया कहाँ गायब हो गए? ये लगता है दोनों इधर छुपे तो नहीं है। गाइस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं इधर देखा नहीं था। यार भैया भी गायब और सिंचन भी गायब, और लेस्टर ने बताया कि सिंचन की लाइव लोकेशन इसी घर से दिखा रही है। ओके गाइस सिंचन घर में कहाँ छुपा हो सकता है, और ये भैया कहाँ चले गए? ए दोस्तों ये शीशा कुछ अजीब क्यों लग रहा है मुझे? अरे ये क्या, इस शीशे में मुझे अपना फेस क्यों नहीं दिख रहा? अरे मेरे अंदर की हड्डियां बेशक दिख रही है। ये शीशे में आखिरकार क्या हो रखा है? पहले तो कभी ऐसा शीशा नहीं था। गाइस ये शीशे का क्या हो गया? अरे ये कोई प्रैंक है क्या? ये कैसा शीशा है? ये भैया सिंचन तुम लोग प्रैंक कर रहे हो क्या मेरे साथ में? अरे नहीं ये शीशा क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गया मैं? अरे भैया सिंचन तुम लोग यहाँ पे हो? ओए मुन्ना ये देख रहे हैं हम कहाँ फंस गए? मैं सोच रहा तू भी आने वाला होगा। अरे भैया ये कौन सी जगह है? ओए हम शीशे के अंदर घुस गए। अरे यार शीशे के अंदर कैसे घुस सकते हैं? मैं आर यार वही तो मैं भी सोच रहा हूँ जब से हम शीशे के अंदर घुस गए। अरे बाप रे बाप, ये शीशे के अंदर से हम बाहर कैसे निकलेंगे? आर यार इससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करा, इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये शीशा टूटता है फिर जुड़ जाता है। अरे यार ये क्या कैसी बात करे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहाँ से बाहर निकलने का। आखिरकार गाइस यहाँ पे शीशे के अंदर एक सीक्रेट बेस है, लेकिन हम अंदर तो घुस गए लेकिन बाहर कैसे निकले? ओए मुन्ना मुझे नहीं पता कैसे निकलना है। ए दोस्तों हम अंदर घुस गए, ये कौन बंदा यार? ओए मुन्ना ये क्रिमिनल है क्रिमिनल। अरे भैया मुझे बचा लो, मैं जेल में ज्यादा सेफ था, यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है। अरे यार ये क्या, ये क्रिमिनल यहाँ कैसे आ गया भैया हमारे घर में? ओए पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी कहानी अलग ही है। अरे भैया अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले गाइस हमें यहाँ से स्केप करना है, लेकिन कैसे निकले आखिरकार यहाँ से? ओए मुन्ना मुझे नहीं पता, मैंने भी पूरी ट्राई कर ली, ओए शीशे को तोड़ फोड़ के कुछ भी नहीं हो रहा। अरे यार ऐसा तो हो नहीं सकता यार, कुछ ना कुछ स्केप तो होना चाहिए गाइस, यार कुछ अगल बगल में हमारे कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चले, हिंट मिले कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। अरे ये क्या गाइस यहाँ से बड़ उड़ के गई? ओए मुन्ना मैंने भी देखा बड़ उड़ के गई। ए भैया इसका मतलब कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओके गाइस यहाँ पे ये वाले शीशे कुछ अलग लग रहे, जैसे लग रहा है कोई डोर बनाओ। अरे मैं दीवार में ठोक गया। अरे ये क्या गाइस, नीचे यहाँ पे एक पेपर नजर आ रहा है मुड़ा पुड़ा, चला इसको उठा के देखते। भैया ये भैया तुमने फेंका है क्या? ओए नहीं हमने तो नहीं फेंका। ए भैया तो तुमने ये पेपर उठा के देखा क्यों नहीं, आखिरकार उसमें है क्या? ओके गाइस चलो इस पेपर उठा के देखते इसमें आखिरकार क्या लिखा पड़ा है। दोस्तों ये क्या है इसमें भैया? ओए मुन्ना इसके अंदर से कुछ क्यूज है। अरे भैया यहाँ पे तो गाइस 1+2+3+4+5 ये कितना होगा? अरे यार लगता है हमें इन्हीं तीनों के आंसर देने, उसके बाद गाइस हम यहाँ से स्केप कर पाएंगे। ओए मुन्ना 1 में प्लस 2 कर देगा तो 3 हो जाएगा, 3 में प्लस 3 कर देगा तो 7 हो जाएगा। अरे भैया रुको रुको गाइस, भैया ने तो पूरा आंसर ही गलत करो, भैया तुम रहने दो। अरे यार मैं सॉल्व करूँ क्या? होगी भैया अरे मैं बता रहा हूँ 1+2+3+4+5 होगा अराउंड 120,000। अरे नहीं 1,02,345। अरे यार सिंचन तुम भी अपना दिमाग मत चलाओ मैथ में, मुझे कैलकुलेट करने दो। गाइस यार आप लोग भी हमारी मदद करो इसको सॉल्व करने में, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। ओके गाइस जल्दी से कैलकुलेट करो, 1+2 होगा 3 और 3+3 होगा 6, 6+4 होगा 10 और 10+5 कितना होगा गाइस? जल्दी से बताओ जल्दी से गाइस, देखते कौन कौन बताएगा 10+5 कितना होगा। ओए मुन्ना 10+5 तो 105 होगा। अरे भैया ऐसे बेवकूफ कितने हो सकते हो तो, मुझे समझ नहीं आता। ओए 15 होगा इसका मतलब कि सही दिया ना। अरे हाँ भैया गाइस यार पहले वाले का आंसर 15 है और सेकंड वाले देखते हैं 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। अरे ये क्या भैया, ये तो एक पहेली है। ओए पहेलिया तो मुझे समझ नहीं आती मुन्ना, कभी भी नहीं समझ आए। अरे गाइस यार दोबारा से देखते हैं 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ए भैया ये पहेली ये कहना चाहती है कि 3 अक्षर का मतलब कि 3 वर्ड का एक ऐसा नाम है हिंदी में
जो कि उल्टा करो तो गाइस तब भी सेम होता है और सीधा पढ़ो तब भी सेम होता है। ओए ऐसा क्या हो सकता है? अरे भैया ओए मुन्ना मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे भैया ये क्या है, ये कैसी पहेली है? अरे योगी भैया इसमें तो मेरा दिमाग ही चक्कर आ गया है। अरे यार सिंचन यार ये क्या चक्कर है गाइस, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ए दोस्तों यार ऐसा क्या नाम होता है जो कि ये नाम हो, यार कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को बोल भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कोई ह्यूमंस का नेम हो। ओके गाइस क्या चीज होती है मुझे दिमाग चलाने दो यार। भैया मैंने ये पहेली बहुत पहले सुनी थी व्हाट्सएप पे। इसका गाइस मैंने आंसर दिया दे नहीं पाया था, लेकिन गाइस उसके बाद मुझे इसका आंसर मिल गया था। ओए मुन्ना क्या है जल्दी बताना। अरे भैया रुको यार मुझे सोचने दो गाइस, तीन अक्षर का मेरा नाम। ओके ओके ओए बस कर मुन्ना क्या करेगा। अरे यार भैया सोचने दो गाइस यार, चलिए से आप लोगों को पता है तो कमेंट में चलिए से मेरी हेल्प करो यार, देखते हैं कौन कौन मेरी हेल्प कर रहा है कमेंट के अंदर, फटाफट से गाइस लिखो मैं चेक कर रहा हूँ जल्दी से। जल्दी से फटाफट से। ए ओए मुन्ना, अरे यार भैया पहले वाले का तो हमने आंसर दे दिया 15, लेकिन गाइस इसका क्या हो सकता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा। ए दोस्तों अरे यार ये तो मुझे पता है, याद आ गया। अरे यार क्या होगा सिंचन? अरे यार इसका तो जहाज आंसर है। अरे जहाज गाइस, हाँ जहाज को अगर हम उल्टा भी करें और सीधा भी करें तो दोनों साइड से जहाज ही होगा, और ये तीन वर्ड का है, तो गाइस हमने सेकंड वाला भी आंसर ढूंढ लिया। वाकई में सिंचन तुमने कमाल कर दिया। वैसे ये तुमने आंसर कैसे ढूंढा सिंचन? अरे यार होगी भैया ये तो मैंने बहुत पहले सुना था कि जहाज को उल्टा करो सीधा करो वो चलता तो एक जैसा ही है। अरे ये क्या गाइस रियल में जहाज को अगर उल्टा सीधा करे तो दिखता एक जैसा ही है? वैसे हाँ एक जैसा ही तो दिखता है, क्योंकि उसके कोई पहिए तो होते नहीं कि आगे पीछे, वो दोनों साइड से एक जैसा ही दिखता है। वैसे सिंचन तुमने रियल फोटो देख के बोला क्या? अरे हाथ मैंने तो बस तुक्का लगा दिया, ये तो सही हो गया। आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करोगी भैया। अरे ये क्या सिंचन गाइस, फोटो की बात कर रहा था लेकिन यहाँ पे वर्ड काम कर गया और सेकंड का हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके गाइस थर्ड वाला पढ़ते हैं अब क्या है। विच हीरो नॉट बिलोंग टू मार्वल? ओए मुन्ना ये कहना चाहते हैं कि कौन सा हीरो जो कि मार्वल से बिलोंग नहीं करता है? आर यार पहला पढ़ते हैं, ए ऑप्शन आयरन मैन, बी ऑप्शन हल्क, और सी स्पाइडरमैन, और डी सुपरमैन। ओए मुन्ना, अरे बाप रे मुन्ना इसका आंसर क्या है? ए भैया इसका आंसर यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा। गाइस यार क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हो? अब ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ने वाला हूँ गाइस। तो अगर आपने इसका सही आंसर दिया कि कौन सा हीरो जो कि मार्वल का नहीं है, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन, सुपरमैन में से कौन सा ऐसा सुपर हीरो जो कि मार्वल से बिलोंग नहीं करता है, तो यार जिसको भी इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट में बताओ, उसके बाद ही हम लोग यार इस मिरर वर्ल्ड से एस्केप कर पाएंगे। ए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं हम एस्केप करें तो जल्दी से प्लीज थर्ड वाले का आंसर दे देना कमेंट के अंदर, और वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मुझे। ओए मुन्ना कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे यार भैया मुझे अपने दोस्तों पे पूरा यकीन है। गाइस आप लोग कमेंट में फटाफट से थर्ड वाले का आंसर लिख देना और वीडियो को साथ में लाइक कर देना ताकि मुझे यहाँ से निकल पाए। अरे यार बिल्कुल सही कहा गई भैया, हमें यहाँ से बच के निकलना इससे पहले इस जगह में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हम लोग यहाँ ना मर जाए। ये सही कहा। तो दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, फटाफट से कमेंट में आंसर करो कि इसका आंसर कौन सा सही है, कौन सा हीरो मार्वल से बिलोंग नहीं करता है, फटाफट से कमेंट में बताओ। ओके गाइस आई होप आप लोग सही आंसर दोगे और हमारी जान बच जाएगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार दर्दनाक वीडियो लाते रहे है। ओए मुन्ना आज तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या होगा? अरे भैया विश्वास रखो यार, हमें कमेंट में पक्का आंसर मिल जाएगा। ओए ठीक है। अरे यार मेरी तो जान निकलने वाली है। ए सिंचन अब ड्रामा थोड़ा कम करो, हम बच जाएंगे, टेंशन मत लो यार।